तो फाइनली मैंने ले ली है मेरे जिंदगी का सबसे पहला मिररलेस कैमरा। तो गाइज मैं यही चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को एंड तक देखो। भाई मुझे नहीं पता कि व्यूज़ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भाई स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ एंड तक देखो भाई, बिकॉज इसके पीछे कैमरा लेने के पीछे एक स्टोरी है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 4 साल पहले, पर मेरा कैमरा लेने का सपना बहुत पहले से ही था, लाइक बचपन से। मैं बचपन पे सैमसंग का फ़ोन पे फोटोग्राफी करता था तब। देन 11th पे मैंने फ़ोन लिया जिस पे वीडियो एडिट, और पिछले 2 साल से मैं इस पे ही यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ। और 11th पे मेरा फोटोग्राफी का भूत इतना चढ़ गया, पर मम्मी पापा ने तब सोचा था कि ये भूत भाई उतर जाएगा इसके दिमाग से। पर बोलते हैं ना जो कि जब किसी चीज़ को आप एकदम अंदर से प्यार कर बैठो तो चीज़ सुकून देने लगता है, तो मेरे लिए फोटोग्राफी भी वही था। तो वही चीज़ हो रहा था मेरे साथ। तो धीरे धीरे यूट्यूब चैनल जिधर मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी चल रहा है, अभी भी ये आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो मैंने स्टार्ट किया था। इवन मैं मेरे शहर का DSLR एक बार लिया था भाई फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो भाई ये लगातार 4 साल भाई फोटोग्राफी के लिए पैशनेट रहा मैं, और पापा ने लास्ट में भाई 4 साल के बाद मुझे कैमरे दे भाई निकॉन Z50 या फिर निकॉन Z50। थैंक यू सो मच पापा एंड थैंक यू सो मच मम्मी, और थैंक यू सो मच जिन लोग भी मेरे ऊपर विश्वास किया था कि नहीं तुम्हारा भी एक दिन होगा एक अपना कैमरा, खुद का कैमरा। तो फाइनली भाई वो दिन आ चुका है, मेरा खुद का कैमरा ले लिया मैंने। तो होगा आज से क्वालिटी अलग लेवल का होगा वीडियोस और फोटोज का, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू टिल देन, टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई मुझे सब्सक्राइब चाहिए वीडियो में, ठीक है, वीडियो में सब्सक्राइब चाहिए चाहिए। तो हम जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग सभी से। बाय, ध्यान से रहो।